Hey guys, welcome to your own YouTube channel Effective Health Classes. The cue card that we are going to discuss in this video is describe your favorite food at a traditional festival or special event in your country. Questions jo isme cover hoenge, what it is, at which festival or event you ate it, how it is made and explain why you like it. Theek hai? One of my absolute favorite dishes to enjoy during traditional festivals in India is Gulab Jamun, a delicious and iconic dessert, especially during Diwali, the festival of lights. जो मेरा सबसे favorite dish है जो कि मैं traditional festival पे enjoy करता हूँ या करती हूँ क्या है Gulab Jamun है a delicious and iconic dessert, especially Diwali पे The festival of light. अब दिवाली क्या है? Festival of lights. Diwali is a time of joy, family gatherings and of course indulging in sweets. Diwali एक खुशी का त्योहार है. Family gatherings होती हैं उसमें and of course जो sweets हैं वो तो होती होती हैं. Gulab Jamun is a perfect representation of the sweetness and warmth that this festival brings. जो Gulab Jamun है ये एक perfect रिप्रेजेंट करता है स्वीटनेस को एंड ये फेस्टिवल में ना थोड़ी वार्म्थ ऐड करता है मतलब फेस्टिवल को और अच्छा मीठा सा कर देता है गुलाब जामुन इज मेड फ्रॉम खोया अ टाइप ऑफ थिकेंट मिल्क अब देखो गाइस मैं यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज तो यूज कर रही हूँ ठीक है लेकिन साथ के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया गुलाब जामुन इज मेड फ्रॉम खोआ अ टाइप ऑफ थिकेंट मिल्क विच इज नीडेड इन टू सॉफ्ट राउंड बोल्स These bowls are then deep fried to a beautiful golden brown and soaked in a sugar syrup that's infused with cardamom, rose water and sometimes saffron. क्या कह रहे हैं कि जो ये balls हैं then इनको deep fry करा जाता है जब तक वो golden brown ना हो जाए and then उसको चाशनी में sugar syrup में रखा जाता है जिसमें कि क्या होता है हरी इलायची होती है ठीक है रोज वाटर होता है एंड कभी कभी सैफरन भी डाल देते हैं द सिरप गिव्स इट अ रिच अरोमेटिक फ्लेवर दैट इज सिंपली इररेजिस्टेबल जो ये सिरप है उसको एक अच्छा सा फ्लेवर दे देता है जिसको कि मतलब हम खाने से मना नहीं कर सकते व्हेन यू टेक अ बाइट द गुलाब जामुन ऑलमोस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ जब आप उसकी एक बाइट लेते हैं तो वो मुँह में घुल सा जाता है रिलीजिंग अ बर्स्ट ऑफ स्वीटनेस एज अ सिरप सीप्स थ्रू मतलब जैसे ही सिरप जाता है तो ऐसे एकदम से मीठा मीठा मुंह हो जाता है वट मेक्स दिस डिज़र्ट पर्टिकुलरली स्पेशल टू मी इज़ द वे इट ब्रिंग्स बैक चाइल्डहुड मेमोरीज मुझे ये पर्टिकुलर ये वाला ही डिज़र्ट क्यों अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज को ताज़ा कर देता है आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर मेकिंग फ्रेश गुलाब जामुन फ्रॉम स्क्रैच ड्यूरिंग एवरी दिवाली एंड द हाउस वुड बी फिल्ड विद हेवनली स्मेल ऑफ फ्राइंग डो एंड फ्रेग्रेंट सिरप मतलब मेरी दादी बनाया करती थी ये सब एंड मतलब जो पूरा घर है वो उसकी खुशबू से एंड जो सिरप वगैरह उससे ही मतलब पूरा महक जाता था वो टू दिस डे एवरी बाइट टेक्स मी बैक टू दोज मोमेंट्स स्पेंट विद फैमिली लाफिंग एंड एंजॉइंग द फेस्टिविटीज़ इससे क्या है कि मैं उस दिन मतलब अपनी पुरानी मेमोरीज को ताज़ा कर लेता हूँ मैं कैसे पहले मतलब अपनी फैमिली के साथ कैसे मतलब उन मोमेंट्स को एंजॉय करता था सब ठीक है या करती थी गुलाब जामुन आल्सो होल्ड्स अ सिंबॉलिक मीनिंग ड्यूरिंग दिवाली इन आवर कल्चर स्वीट्स रिप्रेजेंट गुड फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस सो शेयरिंग द डिजर्ट विद लव्ड वंस एड्स टू द जॉय ऑफ द सेलिब्रेशन अब गुलाब जामुन का एक मतलब भी है कि क्यों हम त्योहारों में ऐसा करते हैं हमारे कल्चर में जो मीठा है उसको अच्छे फॉर्चून अच्छी किस्मत अच्छे गुड लक के लिए मतलब माना जाता है और खुशी के लिए भी माना जाता है सो ये जो डिज़र्ट है अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनके साथ मतलब जो सखे संबंधी होते हैं हम उनके साथ शेयर करते हैं जो कि इस सेलिब्रेशन को और ज़्यादा मज़ेदार कर देता है इट्स मोर देन जस्ट अ डिश इट्स अ वे टू कनेक्ट विद ट्रेडिशन एंड फैमिली एंड दैट्स वाई दिवाली वुडंट फील कम्प्लीट विदाउट इट ये सिर्फ और सिर्फ डिश ही नहीं है ये एक तरीका है ट्रेडिशन एंड फैमिली के साथ कनेक्ट होने का एंड इसलिए जो दिवाली है मतलब इसके बिना अधूरी लगती है एट लास्ट आईड से दैट गुलाब जामुन इज़ नॉट जस्ट माई फेवरेट फेस्टिवल फूड बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट बट ऑल्सो बिकॉज इट एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ दिवाली ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू शेयर लव हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको टेस्ट को लेके ही मेरा वो फेवरेट नहीं है बट इसमें क्या है एम्बॉडीज मतलब
इंक्लूड होना किसी चीज में, ये होना। स्पिरिट ऑफ दिवाली मतलब कैसे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, ये सब मतलब अच्छाई के बारे में ये बताता है, जिससे कि लोग क्या है वापस मतलब इकट्ठे होते हैं, प्यार बांटते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मेमोरीज बनाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अ क्यू कार्ड, आई होप आपको अच्छा लगा। इफ इट सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।